हेलो मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे भाई, कैसे हो? वेलकम बैक टू द हाउट चैनल यूफन गेमिंग। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तो गाइस, तुम्हारे भाई तुम्हारे लिए लेके आ चुका है एकदम फ्रेश वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंसिरिटी चेंजिंग प्रॉब्लम इन फ्री फायर बैटल ग्राउंड्स। मतलब कि वो सिंसिरिटी अनस्टेबल होता है, आप लोग कैसे इसको फिक्स कर सकते हो, वो सब टिप्स आपके साथ इधर शेयर करने वाला हूँ। तो मेरे भाई वीडियो को लास्ट तक देखना, और यार तुम्हारे भाई का वर्क भी शिंदा आता है तो यार चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं क्यों फ्री फायर बैटल ग्राउंड में इतना ज़्यादा सेंसिटिविटी चेंज होता रहता है, काई को होता है इतना ज़्यादा हो गया। तो गाइज वो बात और रीजन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो गाइज फर्स्ट रीज़न है हमारा फ्री फायर बैटल ग्राउंड जो गेम है वो मोबाइल से गेम है। आप लोगों को ऑब्वियसली पता ही होगा ये बात, हो गए मैं क्या पूछ रहा हूँ, आई डोंट नो मेरे भाई। लेकिन यार जो है ना, ये गेम एक मोबाइल के लिए डिजाइन किया हुआ है और इस गेम को हम लोग खेलना ही हंड्रेड टच में, इसलिए यार इतना ज़्यादा सेंसिटिविटी चेंजिंग प्रॉब्लम हो रहा है। तो गाइज तुम लोग बताओ यार इधर क्या ऐसा रीजन है? ओके, तो गाइज यही रीजन है कि यार जो गेम मोबाइल्स के लिए बना हुआ है वो यार हम इमुलेटर्स में खेल रहे हैं। पबजी की बात करें तो यार पबजी जो गेम्स है वो इमुलेटर्स के लिए भी डिजाइन किया हुआ है। आपको मेरे बात पे ट्रस्ट नहीं है तो आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। मतलब यार एशिया ना ये पूरा गेम जो है ना इमुलेटर्स में खेलने के लिए बनाया है मोबाइल्स के लिए, लेकिन थोड़ा सा इमुलेटर्स में भी वो लोग जो है ना प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन फ्री फायर में ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल की बात करें तो यार पबजी जो है ना मोबाइल्स जो है वो यार आप लोग इम्युलेटर्स में खेल सकते हो। लाइक उन लोग ने एक ऑफिशियल इम्युलेटर दे दिया है पबजी को, मतलब गेम रूप करके आप लोग ने नेम सुना ही होगा, वो पबजी का जो है टेंशन का उसी का इम्युलेटर से, मतलब वो लोग ने पबजी के लिए एक अलग सा इम्युलेटर दे दिया है। इसलिए गाइस पबजी में उतना ज़्यादा इश्यू नहीं होता इम्युलेटर्स में, कोडिंग वोडिंग करके सेंसिटिविटी को भी फिक्स कर दिया है। ओके, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन फ्री फायर में क्या हो रहा है गाइस, अभी के टाइम गरीना जो है ना प्लेयर्स को इम्युलेटर्स में खेलना डिस्करेज कर रहा है। लाइक एग्जाम्पल की तरफ बात करें तो यार आप लोग कस्टम रूम में इम्युलेटर से नहीं घूम सकते हो, टूर्नामेंट नहीं खेल सकते हो। ओके, टूर्नामेंट की बात करें तो यार ऐसा नहीं बोला हूँ कि यार इम्युलेटर प्लेयर को टूर्नामेंट दे दो, मैं ऐसा नहीं बोला हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ कि यार गरीना ऐसा कह रहा है। इसलिए गाइस यार कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है इम्युलेटर के हिसाब से, कुछ भी नहीं कर दे तो गाइस यार ऑब्वियसली इधर तो लॉजिक प्रॉब्लम होगा ही। ओके, तो गाइज ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। तो मेरे भाई अभी हम चलते हैं सेकेंड पॉइंट्स की तरफ। तो गाइज सेकेंड पॉइंट है हमारा दो इन पीसी, मतलब पीसी भी होता है एक रीजन जो कि आपको यार सेंसिटिविटी चेंज फील कराता है। मतलब आपके पास हाई एंड डिवाइस है तो यार उतना ज़्यादा चेंज आपको नोटिस नहीं होगा। आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ क्यों मैं ये बोल रहा हूँ। ओके, तो गाइज आप लोग जब गेम खेला होते तो गाइज आप लोग ने ये नोटिस किया होगा जब आप इनिशियल स्टेज में हो, मतलब आपने अभी अभी गेम स्टार्ट किया है, अभी अभी स्टार्ट किया है, 5-10 मिनट हो गए, तो गाइज आपको उधर उतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा आपके पास मिड रेंज पीसी है तो भी। लेकिन आप जब 1-2 आवर्स मतलब 1-2 घंटे कंटिन्यूसली गेम खेलोगे तब आपको ऐसा लगने लगता है कि यार पूरा सेंसिटिविटी लोचा हो गया है, हेयर नहीं लग रहा है, मूवमेंट पूरा बिगड़ गया है, ऐसा लगता है। ओके, लगता है नहीं कमेंट करना गाइज, इसलिए मैंने बता दिया कि यार क्यों होता है, मतलब ओवरहीटिंग की वजह से भी होता है। और आपके पास लो इन डिवाइस है तो ऑब्वियसली आपको इनिशियल फेज में ऐसा लगेगा कि अटक अटक के चल रहा है। ओके, ऐसा होता है। तो गाइज ये डिवाइस भी आपको मैटर करता है। ओके, सेंसिटिविटी चेंजिंग प्रॉब्लम के लिए। तो गाइज अभी बात करते हैं लास्ट रीजन जो कि आपको यार ऐसा फील कराता है, आप लोग ऐसा फील करते हो कि सेंसिटिविटी चेंज हो रहा है, वो गाइज माउस की वजह से भी, और एक सरफेस भी होता है। ओके, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा जल्दी से जल्दी। तो गाइज माउस जो है ना आपके पास अच्छा नहीं है, आप लोग नॉर्मल माउस वायरलेस माउस में 150 वाला माउस में खेलोगे तो अभी इस बात है आप लोग यार उधर बहुत सारे जो है ना सेंसिटिविटी चेंजिंग प्रॉब्लम ऐसा फेस करोगे। लेकिन आपके पास अच्छा सा माउस है तो यार उधर कम चांसेस है कि यार उतना ज़्यादा सेंसिटिविटी चेंज ना हो। और हेयर सेट ड्रैग के लिए सेंसिटिविटी आप लोग इजीली कस्टमाइज एंड कंट्रोल भी कर सकते हो।
तो गाइज अच्छा माउस होना भी जरूरी है। और गाइज एक बात जो है सरफेस है, मतलब यार कई बंदे अभी इधर भी होंगे जो कि यार कभी कभार किचन के जो है टेबल में बैठ के गेम खेलते हैं, कभी कभार पापा के टेबल पे बैठ के गेम खेलते हैं, कभी कभी बिस्तर में बैठे भी गेम खेलते हैं। तो गाइज इस टाइम से आपका जो सरफेस होता है जिधर आप माउस रख के रगड़ते हो वो यार फर्क हो जाता है, अलग हो जाता है। तो गाइज आपको ऑब्वियसली थोड़ा सा नोटिस होगा कि यार सेंसिटिविटी चेंजिंग प्रॉब्लम हो रहा है, हो गए। तो गाइज ये टू थिंग्स थे जो आपको मैंने बता दिया है जिससे आपका लगता है कि सेंसिटिविटी चेंज हो रहा है, ओके। तो मेरे भाई मेरे दोस्तों अभी हम बात करते हैं हम सोल्यूशन के बारे में, तुम्हारे भाई तुमको अभी बताएगा व्हाट इज सोल्यूशन, ओके। तो गाइज सोल्यूशन है फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुछ विंडोज के सेटिंग्स, ओके। अभी मैं तुमको दिखा देता हूँ कि यार विंडोज में क्या क्या सेटिंग्स करना चाहिए। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे को फॉलो करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, ओके। मैं जिधर जिधर क्लिक कर रहा हूँ उधर उधर क्लिक कर लेना है तुमको, ओके। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुमको जो है ना इधर से सेटिंग्स पे चले जाना है, उसके बाद मैं जिधर जा रहा हूँ उधर जाना है, ओके। उसके बाद लास्ट में जो है ना इंटर स्पीड पे जाके नीचे है एक पॉइंटर प्रिसीजन करके, ओके, इनियंस पॉइंटर प्रिसीजन करके, उधर आपका टिक मार्क है तो उधर अनटिक कर देना है। ऑब्वियसली बात है आप लोग ने यार इस रिलेटेड उधर वीडियो भी देखा रखा है तो आपको पता है, ओके। तो गाइस इसके बाद जो है ना आपको इधर से इमुलेटर्स पे चले जाना है। मेमो के बाद कह रहा हूँ मैं अभी मेमो में हूँ, ई मैपिंग ओपन कर लेना है और जो है ना नीचे के साइड उधर ई मैपिंग के एरिया जिधर मैं क्लिक कर रहा हूँ उधर जो है ना आपका कर्सर प्रिसीजन करके हुआ उधर टिक है तो उसको भी अनटिक कर देना है, ओके। आपको ये दो स्टेप कर लेना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो गाइस मेरे भाई ये दो स्टेप करने के बाद जो है ना तुम्हारा जो है सेंसिटिविटी चेंजिंग प्रॉब्लम वो थोड़ी हद तक कम हो जाएगा। तो गाइज इसके बाद क्या करना है कि तुमको एक बटन होता है इमुलेटेड में, तुम सभी को पता ही है, लाइक जिससे तुम लोग माउस ऑन लॉक और लॉक कर सकते हो, ओके। वो बटन को बार बार प्रेस कर लेना है, ओके। मतलब जब बार बार तो नहीं, जब तुमको फील लगता है ऐसा लगता है कि सेंसिटिविटी ओवर हो रहा है, इधर अटक रहा है, ओके, इधर उधर जा रहा है, ऐसा लगता है तो जो है ना इमुलेटर्स में कंट्रोल होता है किसी में या फन होता है, ओके, वो प्रेस कर लेना है और फिर से प्रेस कर लेना है। ब्लू स्टिक की बात करें तो आप लोग यक से भी कर सकते हो, मतलब उधर सस्पेंस शूटिंग मोड समथिंग करके होता है, तो गाइज वो फेस कर लेना है, एक टेम्पोररी सोल्यूशन है, ओके। तो गाइज परमानेंट तो यार अभी के टाइम में तुमको कोई भी नहीं बता सकता है। तो गाइज अभी बात करते हैं और सोल्यूशन क्या हो सकता है, ओके। तो गाइज फ्री फायर यार इतना बड़ा गेम हो चुका है, आई थिंक फ्री फायर को भी एक ऑफिशियल मतलब जो है ना एक इम्यूलेटर देना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है, ओके। बहुत सारे यूट्यूबर्स भी है अभी इम्यूलेटर्स में खेलते हैं, मतलब यार अराउंड 10% से ज़्यादा प्लेयर्स तो आई थिंक इम्यूलेटर्स में भी खेलते होंगे फ्री फायर, वर्ल्ड के टोटल प्लेयर्स की बात करी तो वैसे एक इस टाइम पर एक इम्यूलेटर देना दैट थिंक अच्छा बात होगा, आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है, ओके। ऐसे करने से क्या होता है कि यार कोई हैक करने से खेलने के चांस भी थोड़ा कम होता है, और कोई यार रॉक एफएफ नहीं बन सकता है, मतलब यार वाइट फोबो नहीं बन सकता है, ओके। इतना करेंगे तो यार पीसी में भी इतना इजी नहीं होता है, ओके। डिफरेंट इमुलेटर की बात हो गई, अभी बात करते हैं लास्ट थिंग जो कि है गेमिंग माउस। अभी ऐसी बात है इफ़ आप लोग शक्ति हो आपके पास बजट है तो वाइज यार एक गेमिंग माउस ले लेना है, ओके। आपके मम्मी पापा को कैसे मनाना है आई डोंट नो, लेकिन हो सके तो यार ले लेना। तो गाइस इधर यार इस वीडियो में हमने कुछ प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन के बारे में डिस्कस कर लिया है, ओके। और एक बात मैंने इस वीडियो में नोटिस किया है कि यार मैं किधर तुम बोल रहा हूँ किधर आप बोल रहा हूँ, आई थिंक थोड़ा सा इधर स्टाइल मारने के चक्कर में ये सब हो गया है, ओके। तो गाइज अवॉइड इट, और यार मेरा वीडियो तुमको पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक कर दो, ओके, भाई समझ के बोल रहा हूँ। और गाइज चैनल में नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। और एक बात गाइज तुमको ओरस वीडियो भी चाहिए इमुलेटर रिलेटेड एलडी प्लेयर ब्लू स्टिक में हूँ तो यार चैनल विजिट कर लेना, उधर बहुत सारे वीडियो है, ओके, वो भी देख सकते हो तुम लोग। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर मेरे भाई मेरे दोस्त। मैं पूरी पार्टी करी।